बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। स्टूडेंट्स आफताब तारी मुखातिब हूँ आपसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुसलसल मैसेजेस और वीडियोस के ऊपर जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि जनाब हमें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के मुतल्लिक भी कुछ गाइड किया जाए। तो जनाब आपकी भरपूर जो है वो रिक्वेस्ट पर आप लोगों से बिजनेस मैथ्स और स्टैट्स के ऊपर कुछ जो है वो बात करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि बिजनेस मैथ और स्टैट के अगर आप ये कहें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बताए जा सकते ना, क्योंकि उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज में आगे फिर जो है वो जाके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। अलबत्ता यहाँ पर दो काम किए जा सकते हैं। सबसे पहले ये कि चैप्टर्स कौन से किए जाए, उसके बाद जनाब के फिर उन चैप्टर्स के बाद अगर एक्सरसाइजेस को जो है वो टच किया जाए तो कौन सी एक्सरसाइज जो है वो अहम है, तो उन पे जो है वो हम बात करते हैं। बात शुरू करने से पहले अपने स्टैट्स की एक चीज आपसे कहता चलूं, बहुत कम कहता हूं लेकिन अभी कह रहा हूं तो काइंडली कर भी दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो बहुत जरूर कर दें, और अगर मुमकिन हो तो कोई कमेंट भी आप कर सकते हैं, और वैसे कमेंट्स तो आप बहुत सारे करते रहते हैं। हाँ शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों से, हो सकता है कि अल्लाह करे इनमें से जो बातें आज करने लगे हैं हम आपके पेपर जो है उसमें से कुछ चीजें आ जाए, आपकी भी जो है वो बात बन जाए और मेरी इज्जत भी जो है वो रह जाए। तो बरहाल स्टूडेंट स्टैट्स के अंदर सबसे पहले आप जिस टॉपिक को जरूर करें वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आल दो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसमें मीन मीडियन मॉड उसके बाद हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इसकी वो बात करता है, लेकिन ये वो चैप्टर है जो आने वाले चैप्टर्स के अंदर जो है ना वो आपको सपोर्ट करता, सो आप जो है वो इस चैप्टर को जरूर करें। और इस चैप्टर का जो नाम है आपका वो है जनाब, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो जनाब नाजिर हुसैन की बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट है, कुछ लोग जो है वो नदीम अख्तर सिद्दीकी की भी पढ़ते हैं, और कुछ लोग जो है वो और राइटर भी डेफिनेटली होंगे जिनकी बुक्स को जो है वो पढ़ रहे होंगे। सो मैं चैप्टर का नाम बोल देता हूँ जनाब, चैप्टर का नाम है मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर को जो है वो आप जरूर तैयार करें। मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो इम्पोर्टेंट है वो हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ये इम्पोर्टेंट है, और मीन मीडियन मॉड ये तो आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होता है, और अगर फर्ज करें आप जो है एफएससी या एफए के स्टूडेंट हैं तो आपने इनको नहीं पढ़ा तो इनको कीजिएगा जरूर, क्योंकि इनमें से आपका जो है वो आने वाले चैप्टर में बहुत सारा डाटा रिपीट होता है तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। सो मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये पहला चैप्टर है जो आपने जनाब सबसे पहले अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 4 है मेरे पास जो बुक है उसका, और आप उसको अपनी बुक से देख लीजिएगा, नाम है उसका मैयर ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। मैयर ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस ये आपका एक इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये जनाब वो आपसे पूछता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर नंबर 4 इसको जो है वो तैयार करना है। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, अभी तक दो मैंने बोले हैं, इन दोनों से और ज्यादा अहम जो है वो आपका रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के चैप्टर को जो है वो आप जरूर तैयार करें, मेरे पास जो बुक है इसका ये चैप्टर नंबर 5 है। उसके बाद जनाब इंडेक्स नंबर बहुत अहम चैप्टर है, इंडेक्स नंबर में से एक क्वेश्चन आम तौर पे जो है वो पूछता है, सो आप इंडेक्स नंबर को जरूर जरूर तैयार करें। इसमें जो है वो आपके पास लेस्पियर पाशेज मार्शल और इसके अलावा जनाब आपके पास है कुछ चीजें मजीद हैं जिनको आप जो है वो तैयार कीजिएगा, जैसा कि जनाब हाउस होल्ड बजट मेथड, ये कुछ बड़ी चीजें हैं आप चैप्टर नंबर 5 को सॉरी 6 जो कि इंडेक्स नंबर वाला है इसको जरूर देखिएगा। मैंने 4 चैप्टर जो है ना वो अभी तक बताए हैं बिजनेस स्टैट्स के, ये 4 चैप्टर आप पहले तैयार करें, ठीक है जी। इन 4 चैप्टर्स के बाद आपके पास अगर टाइम हो तो आप सैंपलिंग वाले चैप्टर जो है वो उसको जरूर तैयार करें। सैंपलिंग वाला जो चैप्टर है उसको करने के बाद
जनाब अगर आपके पास मजीद टाइम हो तो आप जो है वो 21 केयर वाला जो चैप्टर है उसको तैयार कीजिएगा, अदरवाइज जो मैंने पहले 4 चैप्टर बोले हैं इनको तैयार करके असेंबली वाले चैप्टर को जरूर जो है वो टच कर लें, फिर आप मूव करें बिजनेस मैथ्स के ऊपर। और जब आप तैयारी करें तो याद रखिएगा तैयारी करते हुए आप पहले बिजनेस मैथ्स को ही तैयार करें, क्योंकि बिजनेस मैथ्स का सिलेबस कम है और उस कम सिलेबस में से पेपर भी उसमें जरूर पूछ रहा है। सो अगर आप कम सिलेबस को तैयार कर लेंगे तो जनाब आपके लिए पेपर को अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। आपको पता होगा थोड़ा सिलेबस तैयार करके मैं पेपर का एक मेजर पोर्शन जो है वो कर चुका हूं। तो जनाब आपके पास जो है वो बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स में एक चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, इसको जो है वो तैयार करें। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट स्टूडेंट का जो है वो एक मरहूब चैप्टर होता है, इजी होता है, पहले भी बच्चों ने इनको किया होता है, लिहाजा इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। दूसरे नंबर पे आपका लीनियर क्वाड्रेटिक और साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इन चैप्टर्स को जो है वो तैयार करें। इनमें से इंशाल्लाह ताला आपके 2 सवाल इन 2 चैप्टर में से आ जाएंगे, और जो मैंने पीछे आपको 4 चैप्टर पहले बताए और 5वां सैंपलिंग वाला बताया उनमें से भी इंशाल्लाह आपका स्टैट का पेपर जो है वो ओके हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे ये परेशान है कि लास्ट टाइम उसने फाइनल पेपर के अंदर जो है वो डेफिनेशन भी पूछी थी, तो इस दफा जी भाई अगर उसने 5-6 साल तक मुसलसल डेफिनेशन नहीं थी पूछी और अब उसने अचानक से पूछ ली तो अब हम इसको सप्लीमेंट्री में भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जनाब उसने जो है वो डेफिनेशन नहीं पूछ ली, तो मुमकिन है वो डेफिनेशन पूछे, तो अच्छा फिर सर डेफिनेशन को कहां से तैयार किया जाए। जनाब आप अगर जाए ना थोड़ा सा पीछे आज से तकरीबन कोई 15-1 साल पीछे, मतलब 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 इन पेपर्स को गूगल सर्च करके आप अगर निकाल लेते हैं ना तो आपको बिजनेस मैथ एंड स्टैट के पेपर में डेफिनेशंस मिलेंगी, आप उन डेफिनेशंस को तैयार कर लें जो 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 इन पेपर्स में आई हो, तो उम्मीद है उन्हीं डेफिनेशन से मिलती जुलती और कुछ डेफिनेशन जो है वो अगर रिपीट करता है तो आप जो है वो इजीली डेफिनेशन को क्लियर जो है वो कर लेंगे। बाकी मेजर फोकस आपका जो है वो आपके न्यूमेरिकल पे होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आपका अच्छे से 2 न्यूमेरिकल भी 20-20 नंबर वाले सॉल्व हो जाए तो आप पास हो सकते हैं, और अगर आपको वो पेपर में हर न्यूमेरिकल के साथ ही 10 नंबर की डेफिनेशन जोड़ दें तो स्टूडेंट्स ये भी परेशानी वाली बात नहीं है, पासिंग मार्क्स तो हम 10-10 नंबर के 5 न्यूमेरिकल के जो पार्ट्स हैं वो करने से हो सकते हैं। और एक बात याद रखें जो कि आखिरी बात है और ये मैं पहले कहना भूल गया, इसको कहना पहले चाहिए था, खाली पेपर नहीं छोड़ना अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाए, कुछ ना कुछ जरूर लिखा है, लिखने से एग्जामिनर बाजुकात बहाना ढूंढता है कि जनाब मैं आपको पास कर दूं, और यही बहाना जो है वो आपको पास करवा सकता है। अगर खाली छोड़ा होगा तो जाहिर है एग्जामिनर के पास टिक करने को भी स्पेस नहीं है, सो वो आपको मार्क्स भी नहीं देगा, या अगर वो ग्रेस मार्क्स दे के आपको पास करना चाहता है तो वो नहीं करेगा। सो इसलिए आप पेपर को खाली मत छोड़िएगा, अगर डेफिनेशन आ जाए दिल बड़ा कीजिएगा, कुछ ना कुछ जो आपको मैथ्स के मुतालिक पता हो उसको लिखिएगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर पास हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपके जो पार्ट 2, अगर आप पार्ट 1 में अभी स्टूडेंट हैं और आप सप्लीमेंट्री दे रहे हैं पार्ट 2 में, सॉरी बैठे हैं और सप्लीमेंट्री अभी पार्ट 1 आप क्या दे रहे हैं, तो पार्ट 2 का बहुत सारा काम जो है वो आने वाले दिनों में मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, आप जो है वो साथ रहिएगा ताकि आपकी पार्ट 2 की जो है वो तैयारी अच्छी होती चली जाए। और अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो अच्छे से गाइड नहीं कर सका तो उसके लिए जो है वो माजरत है, बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो डेली मैसेज करते हैं, कोशिश करता हूँ हर किसी को रिप्लाई जरूर करूँ, अगर किसी का रिप्लाई लेट हो जाए या रह जाए तो उससे जो है वो सॉरी है, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अच्छे से गाइड करता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।